नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर, जूनियर असिस्टेंट का जो ये 3831 पद की भर्ती आई है 2022 के माध्यम से, पैट 2022 के माध्यम से, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस विषय पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे छात्र परेशान हैं क्योंकि अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये जो समय गैप है, ये जो टाइम गैप है, जब तक आपका कट ऑफ नहीं आएगा, इस गैप को भरना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों के नंबर लगभग 60 से 63 64 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये जो 60 से लेकर 63 64 नंबर तक के बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बाकी जो 65 प्लस वाले बच्चे हैं, वो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं सब विषयों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है जूनियर असिस्टेंट की। तो आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट में आपका एक सेक्शन है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर सेक्शन को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन और यूपी स्पेशल, ये दो बैच स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बैच आपका 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। यहाँ पर हम सब नहीं पढ़ाएंगे, जैसा कि अन्य होता है कि मैथ भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, आपका जीएस भी कवर करा देंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि आपका एक 15 नंबर का है और दूसरा आपका 20 नंबर का है। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पे हम लोग विशेष रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, दो तीन लोग की टीम है यहाँ पर। जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से बन सकते हैं, यूपी स्पेशल से बन सकते हैं, और जो बेस्ट कंटेंट क्वालिटी हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन और यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, अभी आपको स्पेशल ऑफर के तहत भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 12 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, इसके पहले भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए तो आपको डिटेल सेंड किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। बाकी जो AGTA की वैकेंसी है, इसका स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और यूपी पैट 2023 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, PDF कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तीन कैटेगरी के बच्चे हैं। एक कैटेगरी बच्चों की ऐसी है जो 60 के आसपास बैठे हुए, जैसे 59 हो गया, ठीक है, 60 नंबर हो गया, 61 नंबर हो गया, एक ये है। और एक कैटेगरी है दोस्तों जिनके 62 से लेके 65 तक के नंबर हैं। ठीक है, 62 से 65 के बीच में इनके मार्क्स आ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं, जिनको हम बोल दें 70 है, 72 है, 75 है, इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कैटेगरी आ रही है, एक 60 जो कि मिनिमम, ठीक है, और दूसरा 62 से 65 के बीच में है, और तीसरी कैटेगरी है जिनके 65 प्लस मार्क्स आए हुए हैं। जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, जिनको अपने आप को लेके कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो यही जो मिडिल में है, इन्हीं को अपने आप पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये क्या करें। और इन्हीं के लिए ये जो टाइम गैप है, जब तक आपका एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं आता है, इन्हीं के लिए बड़ा मुश्किल समय होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आपने कट ऑफ की वीडियो बहुत देख ली होगी, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे जिसमें लोग बता रहे हैं, कोई 60 बता रहा है, कोई 65 प्लस बता रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो मिनिमम बताया गया है आपको कट ऑफ, वो 60 प्लस बताया गया है, और जो मैक्सिमम बताया जा रहा है वो 65 प्लस बताया जा रहा है। ये चीज़ आपको पता चल गया होगा, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत बस इतनी सी है कि आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है। देखिए, आपको ये करना है कि पहली बात तो आप ये श्योर हो जाएं कि अगर आप 70 नंबर पाए होते तो आप किस तरह की प्रिपरेशन करते। आप ये अपने आप से पूछिए कि अगर आपके 70 मार्क्स होते इस परीक्षा में, पैट 2022 में, तो आप किस स्तर की प्रिपरेशन करते। ये आप अपने आप से पूछिए। जब आपको इसका आंसर मिलेगा कि हाँ, मैं बेस्ट देता, मैं बहुत बढ़िया करता, मैं इस बार इस एग्ज़ाम को निकाल लेता क्योंकि इसमें टाइपिंग है, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर 80 नंबर लाते हैं, टाइपिंग नहीं निकाल पाते तो भी छट जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हुए ये सोचते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लेता 100%, और उसी तरह से आप प्रयास करते, तो मैं कहूँगा कि ये अपने आप पे यही चीज़, ये जो सोचने का तरीका है, इसको अपने आप पे हावी हो जाने दीजिए और आप ये सोचिए कि मुझे किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ठीक है,
अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा नहीं होगा मेरा नहीं होगा, तो आप तो तैयारी भी नहीं कर पाओगे, फिर आप बेस्ट ही नहीं दे पाओगे। आप खुद सोचो कि जो बच्चा 70 नंबर पा के फुल कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा, ये टाइपिंग भी कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा, कि आप यहाँ पर जो मिडिल में बैठे हुए हैं 62 से 65 और यही सोच रहे हो रोज डे टू डे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर 15 दिन आपका कट ऑफ नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो 15 दिन तो आप ऐसे ही गंवा दोगे। सोचते सोचते आप रोज नए नए वीडियो सर्च करोगे कि सर मेरा कितना होगा, ये तो इतना बता रहे हैं, वो तो इतना बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना भड़ास निकालोगे कि ये गलत बता रहे हो, ठीक है उन्होंने इतना बताया, उन्होंने उतना बताया, कंप्यूटर है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, कट ऑफ इतना जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो। तो मेरे कहने का मतलब है ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत करें। यहाँ पर आपके लक की बात है, हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है कि ना भी हो, इससे आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। घाटा इसलिए नहीं होने वाला है, देखिए जब सब आपको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की थी पास्ट में, तभी तो आपके इतने मार्क्स आए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। पेट 2023 का फॉर्म आ गया है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने पास्ट में प्रिपरेशन किया होता, तो ये जो आप यहाँ पे लटके हो त्रिशंकु की तरह, ये चीज़ नहीं होता। तो त्रिशंकु ना बने, त्रिशंकु अगली बार भी ना बन जाए, इसलिए आप पहली बात पेट 2023 पे अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप आपकी जो संभावना है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहूँगा, अगर संभावना की मैं बात करता हूँ, तो आपकी जो संभावना है जो 62 से लेके 64 के बीच में है, आपकी जो संभावना है दोस्तों, ये लगभग 85% है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 85% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें होती हैं कि वो आपके पक्ष में चली जाएं, ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, ऐसा ना सोचें कि आपका नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें, ठीक है। तो 62 से लेके 64 तक के जो भी बच्चे हैं, आप सभी लोग तैयारी करते रहें। अभी 85% की जो संभावना है, अब ये 62 वाले के लिए थोड़ा कम है, 64 वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा है, ये सब मत सोचो, ठीक है। जो कह दिया जाए, जो आपको बता दिया जाए, उसी पे अगर आप फोकस कर लेते हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव बात हो जाएगी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करो, तो आपका जो दिमाग है वो मेरी बातों पे होना चाहिए कि सर बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन करो, तो मुझे आँख मूंद के प्रिपरेशन करना चाहिए, आपका ये फ़र्ज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे फिर एनालिसिस करने लगो कि यार आप ये सर आप गलत कह रहे हो, ठीक है उन्होंने इतना बताया, उन्होंने इतना बताया, आप अपना कोर्स बेचने के लिए सारी चीज़ें कह रहे हो, तो भाई देखो ये आपका दिमाग है, ये बहुत तरह की बातें सोचेगा, कुछ अच्छी कुछ बुरी, हर तरह से सोचता है ये दिमाग। जब खाली बैठता है तो कितनी कितनी बातें सोच डालता है, ये आप सभी को पता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को मानते हो, जानते हो, और उसने कुछ बात बोल दिया, तो आप उसकी बात को पॉजिटिव लीजिए और उसी बात को अमल करते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बाकी जो 65 वाले बच्चे हैं, जितने भी 65 वाले बच्चे हैं, वो तो भाई आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि जो 60 नंबर वाले बच्चे हैं, ये भाई देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ये आपका मार्क्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, साथ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, मैं भी आपसे कहूँगा कि मैं भी आपसे 23 के लिए जुड़ा रहूँगा, जो पेट 2023 का एग्जाम होगा उसमें मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि इस बार आपको 80+ नंबर लाना है, वो कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। अगर आप सारी स्ट्रेटेजी वैसे ही फॉलो करते हो जैसा कि मैं बताता जाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में होती चले जाएंगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो 60 से 62 64 वाले बच्चे जितने भी हैं, सब लोग प्रिपरेशन करते रहो। 65+ वालों का भाई देखिए डन है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। बाकी 60 नंबर वाले जो हैं, 60 से कम नंबर वाले जो हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, वो अन्य एग्जाम पे फोकस कर लें अगर हो सके तो। अगर कोई अन्य एग्जाम है पैरेलल में, तो आप उस पर फोकस कर लें अभी के लिए, ठीक है। बाकी नहीं है कोई एग्जाम तो आप पढ़ते रहें, कंप्यूटर अभी छोड़ दें। बाकी आप UP SSC एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही है, आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो कट ऑफ एनालिसिस यही है कि आप सब लोग पॉजिटिव रहें, जो बताया गया है उन सारी चीज़ों को अच्छे से लें, पॉजिटिव वे में लें और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करें, ठीक है। सो वीडियो को बहुत लंबा करते हुए मिलते हैं अगले सेशन में, आप हमारे चैनल से जुड़ जाना। जो भी कोर्सेज वगैरह अगर अगर आपको बाय करना है, जुड़ना है, तो डिस्काउंट ऑफर के तहत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप लोग चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।